Okay guys, now let us start talking about flowers. I mean, flowers of course किसी भी plant का सबसे beautiful part है कि नहीं? Flowers are the most beautiful part of a plant. Now different plants have different types of flowers. Different plants के जो है different types के flowers होते हैं. And flowers offer are of many sizes, shapes and colors. Flowers जो है वो कई size के, shape के और color के होते हैं. They have different kinds of fragrances. उनके अलग अलग गंध भी होते हैं, ठीक है? कुछ कॉमन फ्लावर जैसे कि हिबिस्कस, जिसको हमारे यहाँ अड़हुल भी कहते हैं, या रोज वगैरह, जैस्मिन, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली. नाउ फ्लावर्स कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. फ्लावर्स में जो है प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. नाउ द फ्लावर इज अटैच टू द स्टेम बाय अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसल. जैसे लीफ भी जो है एक लंबे स्टॉक के द्वारा जो है प्लांट से, प्लांट के स्टेम से कनेक्टेड होता है ना, तो वैसे ही फ्लावर जो है वो भी जो है एक स्टॉक के थ्रू जो है प्लांट से, स्टेम से कनेक्टेड होता है, और वो स्टॉक जो है दैट इज कॉल्ड पेडिसल. नाउ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टॉक इज समवॉट स्वोलन. तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा, जैसे ये हो गया आपका, ठीक है ना, तो ये हिस्सा सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होगा कह सकते हो कि स्टॉक का, ये थोड़ा सा फुला हुआ रहता है, थोड़ा स्वोलन रहता है. दिस स्वोलन पेडिसल, पार्ट ऑफ दिस पेडिसल इज नोन एज थैलेमस. इसे क्या कहते हैं, थैलेमस हो गया ये, ठीक है. अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अरेंज्ड इन रिंग्स और होल्स ऑन द थैलेमस. फिर जो फूल का दूसरा हिस्सा जो सब जो होगा वो इसी थैलेमस के इर्द गिर्द जो है रिंग बना के या होल बना के जो है अरेंज होगा. नाउ सम फ्लावर्स डू नॉट हैव अ पेडिसल एंड आर कॉल्ड सेसिल फ्लावर्स. कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें कि कह सकते हो कि ये कह सकते हो पेडिसल इसमें मौजूद होता ही नहीं है, तो इन्हें जो है सेसिल फ्लावर्स कहते हैं. अब पहले हम फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में बात करें. मेन पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर्स के वो हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टिल. सेपल क्या हो गया, तो ये ग्रीन लीफ लाइक पार्ट हो गया जो आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर में होता है. द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज. चाहे आप गुलाब के फूल को देखो या अरहुल के फूल को देखो, तो बिल्कुल बाहर बाहर में देखोगे कुछ हरा हरा टाइप का जो है पत्ती टाइप का निकला रहता है, ठीक है ना. ये हरी हरी पत्तियाँ जो होती हैं वो एक्चुअली जब कली के फॉर्म में होता है ना, बड के स्टेज में जब होता है, तब ये पत्तियाँ जो हैं ऊपर से ऐसे लेयर प्रोटेक्ट करने वाले लेयर के तौर पर जो है लगी रहती हैं. बाद में जब फूल खिल जाता है तो ये तो भी ये जो पत्तियाँ होती हैं वो नीचे की तरफ लटक जाती हैं. ये सेपल कहलाते हैं, ठीक है. तो इनका जो है प्रोटेक्टिव रोल हो गया. ये जो है कह सकते हो कि बड स्टेज में जो है फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं. फिर आपका हो गया पेटल्स. तो पेटल्स क्या है, दीज आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलर्ड पिगमेंट्स एंड द ब्राइट कलर्ड पेटल्स सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन. ये जो ब्राइट कलर्ड पेटल्स जो होते हैं, ये सब आपका पेटल हो गया. देख रहे हो, ये फूल की जो पत्तियाँ होती हैं बेसिकली पंखुड़ियाँ, ये पेटल्स कहलाती हैं. तो ये पेटल्स जो होते हैं ये चमकीले अच्छे अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं, क्योंकि ये इनका अट्रैक्टिव कलर जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. पॉलिनेशन के बारे में आप लोग जो है बाद में पढ़िएगा इसी चैप्टर में, ठीक है. फिर आपका हो गया स्टैमिन. स्टैमिन्स क्या हैं, तो दे आर यू नो लाइक फाउंड जस्ट इनसाइड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर. जैसे अरहुल के फूल में ही देखो आप अगर, या फिर गुलाब के फूल में भी दिख सकता है. तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको बीचों बीच जो है आपको दो स्ट्रक्चर मिलेगा, स्टैमिन का स्ट्रक्चर मिलेगा या फिर आपको जो है पिस्टिल मिलेगा. तो पहले हम स्टैमिन को देखते हैं. ये पेटल्स के अंदर ही पाया जाता है. दे आर यूजुअली 4 to 6 इन नंबर्स. ये जो है 4 से 6 होते हैं. स्टैमिन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ऑफ ए फ्लावर. स्टैमिन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इस टाइप का जो निकला रहता है, ये आपका हो गया स्टैमिन, ठीक है. 4 से 6 होता है ये स्टैमिन, और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ओके, ईच स्टैमिन कंसिस्ट ऑफ अ थिन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड अ टू लॉब्ड हेड कॉल्ड द एंथर. मतलब स्टैमिन को अगर आप देखोगे तो स्टैमिन में क्या क्या हिस्सा हो गया, ये पूरा का पूरा आपका जो है फिलामेंट हो गया, और फिलामेंट के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, हमारा एंथर जुड़ा हुआ है, ठीक है. दो हिस्सा वाला जो है आपका एंथर यहाँ पर जुड़ा हुआ है. नाउ ईच एंथर लोब हैज़ 2 पॉलन सैक्स दैट आर फिल्ड विद पॉलन ग्रेन्स. अब हर एक एंथर लोब जो होगा वो जो है उसमें 2 पॉलन सैक होंगे, ठीक है. तो मतलब कि
ऐसे देख लो, एक एंथर इधर, सॉरी ऐसे होगा, ठीक है, ये एंथर, फिर इस एंथर में जो है इस एंथर के अंदर जो है, या इस एंथर के इस हेड के अंदर जो है फिर पॉलन सैक्स हैं, राइट, दो पॉलन सैक्स हो गए, और ये जो येलो येलो पॉलन सैक है आपका, इसके अंदर मौजूद होगा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स आर येलो फाइन डस्ट लाइक पार्टिकल्स विच कंटेन द मेल सेक्स सेल्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। पॉलन ग्रेन जो येलो कलर का मौजूद है, इसमें जो है बिल्कुल धूल धूल जैसा बिल्कुल जो है फाइन पार्टिकल चिपका रहता है, जिसमें कि जो मेल सेक्स सेल्स हैं फ्लावरिंग प्लांट के वो मौजूद होंगे। तो जब ये मेल सेक्स सेल्स जब फीमेल सेक्स सेल्स के साथ जो है मैच करते हैं, तब जाके जो है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का काम होता है। तो उसको हम लोग अब देखने वाले हैं, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं पिस्टिल्स को। पिस्टिल जो होता है, इट इज़ इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर, ये भी फ्लावर के सेंटर में होता है, एंड देयर इज़ ए फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड पिस्टिल। प्लांट के सेंटर में ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, फ्लास्क जैसा है ना, थर्मस जैसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये आपका जो है हो गया पिस्टिल। नाउ पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ये जो है फ्लावर का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। हर एक पिस्टल के अंदर जो है स्टिग्मा टॉप वाला हिस्सा, बीच वाला स्टाइल हो गया, और नीचे जो एक रहता है जो थोड़ा फुला हुआ हिस्सा, दैट इज कॉल्ड ओवरी। ये पिस्टल के डिफरेंट हिस्से हो गए। तो स्टिग्मा क्या करता है, तो स्टिग्मा जो है वो एंथर से पॉलन ग्रेन जो है उसको रिसीव करता है। तो ये पॉलन ग्रेन, जैसे इंसेक्ट मान लो इधर बैठा, पॉलन ग्रेन उसके पैर में चिपक गए, जब वो इंसेक्ट इधर आके बैठेगा ना स्टिग्मा के ऊपर, दूसरे जिस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, वहाँ पर आकर अगर बैठा स्टिग्मा के ऊपर, तो ये पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ पर आके चिपक जाएगा। ये पॉलन ग्रेन जो है फिर वो इधर से जो है निकलता है, स्टाइल के रास्ते जो है होता हुआ ये ओवरी तक पहुँचता है, और इस तरीके से जो है कह सकते हो कि पॉलिनेशन का काम पूरा होता है, और जिसके बाद जो है रिप्रोडक्शन साइकिल आगे चलती है। अब ऐसा फूल जिसमें कि सारे फोर होल्स होते हैं, अ फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ ऑल फोर होल्स आर कॉल्ड अ कंप्लीट फ्लावर। जैसे कि मस्टर्ड या हिबिस्कस वगैरह हो गए, इसमें ऑल फोर होल्स होते हैं। सम फ्लावर्स डू नॉट हैव ऑल फोर होल्स एंड आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स। कुछ में जो है चारों होल मौजूद नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, जैसे कि मलबरी या फिर डेट पाम, ये सारे। फिर कुछ फ्लावर्स जैसे कि ट्यूबरोज, सेपल्स, जैसे कि ट्यूबरोज हो गए, ठीक है, उनमें सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो साथ मिलकर टेपल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। ट्यूबरोज जैसे फ्लावर्स में सेपल्स और पेटल्स एक साथ मिलकर टेपल्स बनाते हैं। और फिर कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्टैमिन जो होता है वो पिस्टिल से जुड़ा होता है, तो मतलब कि मेल और फीमेल पार्ट एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि हिबिस्कस हो गया, ठीक है। तो हिबिस्कस में क्या होता है, स्टैमिन जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्टैमिन्स जो हैं, इनमें स्टैमिन्स जो हैं वो जुड़े होते हैं, और ये स्टैमिनल ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। और स्टाइल जो है वो इस ट्यूब से होके पास करता है। अब यहाँ पर द फ्लावर्स विच हैव बोथ स्टैमिन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो मतलब आपसे पूछा जाए, वॉट आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो फ्लावर्स विच हैव बोथ स्टैमिन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, विच मीन्स कि इनमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों इनके पास मौजूद ही है। एग्जाम्पल्स में जैसे कि मस्टर्ड और चाइना रोज हो गया। दूसरी तरफ द फ्लावर्स विच हैव ईदर पिस्टिल और स्टैमिन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स में कि या तो सिर्फ पिस्टिल होगा या स्टैमिन होगा, वो जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं, जैसे कि क्यूकम्बर या बॉटल गॉर्ड वगैरह, ओके। अब आगे बात करते हैं, फिर दिस इज़ यू नो लाइक फ्लावर के ओवरी को जो है स्टडी करने का एक तरीका है, यू कैन यू नो लाइक ट्राई दैट, बट ऑफ कोर्स इसके लिए जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी, जो कि घर पे मिलना मुश्किल होता है। लेट अस जस्ट मूव ऑन, लर्न अबाउट फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। अब मेन जो फंक्शन है फ्लावर का, दैट इज टू रिप्रोड्यूस यू नो फ्रूट्स एंड सीड्स। मेन जो फंक्शन है फ्लावर का वो है फल या सीड्स पैदा करना। नाउ द फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड इन अ फ्लावर बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये फल और सीड जो बनते हैं फ्लावर में, वो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, ओके। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। हम लोगों ने बताया था कि पॉलिनेशन क्या होता है, इसको समझने की बात कर रहे थे ना हम लोग। तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से होके स्टिग्मा तक पहुंचता है, ठीक है ना, तो ये जो है पॉलिनेशन कहलाता है।
जैसे कि हम लोगों ने बात की थी ना कि मान लो कि ये प्लांट हो गया जिसके पास कि स्टैमिन अवेलेबल है, मेल पार्ट अवेलेबल है, और दूसरा है जिसके पास कि फीमेल पार्ट अवेलेबल है। तो इंसेक्ट जब इसके ऊपर बैठेगा तो इसके पैरों में जो है इसके पॉलन ग्रेन जो है वो चिपक जाएंगे, और फिर जब ये उड़ के यहाँ से जो है दूसरे फ्लावर पर चला गया, ठीक है, और उसके जो है कह सकते हो कि सॉरी स्टिग्मा पर जाके जब वो बैठेगा, ठीक है ना, एंथर से उठ के जब स्टिग्मा पर चला जाएगा, पिक्सटिल के स्टिग्मा पर जाके जब ये बैठेगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉलन जो है वहाँ पर जाके रिलीज हो जाएगा, वहाँ पर जाके चिपक जाएगा, और फिर स्टिग्मा से स्टाइल से के रास्ते से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये जो है ओवरी में पहुँच जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है पॉलिनेशन, और ये जो है इंसेक्ट के द्वारा, हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, सब के द्वारा ये प्रोसेस जो है वो हो सकता है। जब पॉलन ग्रेन जो है जब स्टिग्मा पर गिरता है तो वो फिर जो है नीचे की तरफ वो बढ़ता है स्टाइल के रास्ते से होते हुए, और ये ओवरी तक पहुंच जाता है। अब इनसाइड द ओवरी, ओवरी के नीचे अंदर जो है जो मेल सेक्स सेल्स हैं, पॉलन ग्रेन में मौजूद जो मेल सेक्स सेल्स हैं वो जो है फीमेल सेक्स सेल्स जो ओव्यूल्स में मौजूद हैं उनके साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्यूजन होता है मेल सेक्स सेल्स जो कि पॉलन के अंदर मौजूद थे, पॉलन ग्रेन के अंदर, और ओव्यूल्स के अंदर जो फीमेल सेक्स सेल्स मौजूद थे, तो इनका जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, ओके, इनसाइड द ओवरी, ओके, एंड दिस यू नो लाइक मेल सेक्स सेल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स, वेल द फीमेल सेक्स सेल्स आर प्रेजेंट इन द विद इन द ओव्यूल्स। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स ग्रो एंड बिकम सीड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और वो सीड बन जाते हैं। द ओवरी ऑफ ए फ्लावर ग्रोज एंड बिकम्स फ्रूट विथ सीड्स इनसाइड इट। फ्लावर का जो ओवरी होता है वो बड़ा होता जाता है और फ्रूट बन जाता है जिसके अंदर बीज होते हैं। अब ये फ्रूट जो होता है, द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स, ये फ्रूट जो होता है वो फिर इन सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। ये आपने रोज के साथ भी देखा होगा कि जब रोज का फूल जब पूरा पूरे ब्लूमिंग के बाद जो है इवेंचुअली क्या होता है, उसकी पत्तियां जो है वो सूख के गिर जाती है, लेकिन उसका जो है वो एक बर्ड टाइप का जो है वो रहता है, और उस बर्ड के अंदर जो है एक्चुअली रोज के सीड्स होते हैं। इनफैक्ट आप इन सीड्स को निकाल के और इसको प्लांट भी कर सकते हैं आप। अब अंडर सूटेबल कंडीशंस लाइक जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर एंड वार्म्थ, ठीक है ना, जब मान लो कि पानी, हवा और वार्म्थ अवेलेबल होगी तो ये सूटेबल कंडीशंस होंगे, अ सीड जर्मिनेट्स टू बिकम अ बेबी प्लांट। सीड जो है वो जर्मिनेट होकर बेबी प्लांट में बदल जाता है। सो वेल यू नो लाइक दैट्स ऑल दैट वी लर्न इन दिस चैप्टर के प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के तीन टाइप होते हैं, हर्ब, श्रब और ट्री। आगे हमने देखा कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। रूट की अगर हम बात करें तो एक तो इसमें रूट सिस्टम होता है, दूसरा इसमें शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम के अंदर जो है फिर दो तरीके के जो है होंगे, टैप रूट, रेडिश एग्जांपल हो गया, फाइब्रस रूट, अनियन इसका एग्जांपल हो गया। रूट सिस्टम के अंदर अगर सिर्फ फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में ये जो है प्लांट को फिक्स करता है ग्राउंड में, ये जो है वाटर और मिनरल के और साथ ही साथ प्रिपेयर्ड फूड के भी कंडक्शन में हेल्प करता है, साथ साथ ये जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। फिर रूट जो है वो मॉडिफाई भी होता है, मॉडिफाई करके ये जो है फूड स्टोरेज का काम करता है, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जैसे कि बरगद वगैरह में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स वगैरह में, राइट, मटर वगैरह में, अरहर वगैरह में। साथ ही साथ जो है ये गैसेज के एक्सचेंज और न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में भी हेल्प करता है जैसे कि मैनग्रोव ट्रीज में हमने देखा। आगे जब हम शूट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो है स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, लीफ हो गया। तो स्टेम की बात करें तो स्टेम का फंक्शन क्या है, तो ये जो है प्लांट को सपोर्ट देता है, मतलब बाकी जो हिस्से हैं लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इनको सपोर्ट देता है। साथ साथ जो ये वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में भी काम करता है। इसके अलावा जो है माय बैड एक्चुअली रूट सिस्टम जो है वो सिर्फ जो है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करवाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, बाकी जो फूड वगैरह का कंडक्शन है वो स्टेम के द्वारा होता है। स्टेम जो है वो मॉडिफाई करके जो है ये फूड स्टोरेज में काम करता है जैसे पोटैटो वगैरह, ये फूड मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है जैसे ये कैक्टस वगैरह, ये डिफेंस भी प्रोवाइड करता है इसके अलावा, ठीक है। फिर लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ के जो है हिस्से क्या, लीफ ब्लेड हो गया हिस्सा, पेटियोल हो गया, लैमिना हो गया, ठीक है, लैमिना ही एक्चुअली लीफ ब्लेड होता है। फिर लीफ की अगर फंक्शंस की बात करें तो इसमें जो है ये फूड स्टोरेज में काम आता है, रिप्रोडक्शन, डिफेंस, ट्रांसपेरेशन में काम आता है, ट्रांसपेरेशन जिसमें कि पानी जो है वो भाप बन के
एस्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, और रेस्पिरेशन के दरमियान जो है ऑक्सीजन अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है फूड भी मैन्युफैक्चर करता है। ये सब लीफ के फंक्शंस हो गए। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के दो टाइप हो जाएंगे। फ्लावर्स के पार्ट्स जो है सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन और पिस्टिल, राइट। इसमें स्टैमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, राइट। अब ये फ्लावर जो होंगे ये दो टाइप के होंगे, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो होंगे जिसमें कि स्टैमेन और पिस्टिल दोनों जो है मौजूद होंगे, यूनिसेक्सुअल जिसमें कि सिर्फ या तो पिस्टिल होगा या फिर स्टैमेन होगा, ठीक है। और फ्लावर्स का काम ये है कि ये जो है फ्रूट और सीड प्रोड्यूस करते हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के थ्रू। सो वेल दैट वाज इट फॉर दिस लेसन। यू गाइस हैव टू ट्राई द क्वेश्चन आंसर्स नाउ एंड इन द नेक्स्ट लेसन वी विल टॉक अबाउट बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। सो वेल मिलते हैं फिर अगले लेसन में। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।